क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मूवी कैसे बनाई होगी, मतलब सबसे पहले किसके दिमाग में आई हो कि मूवी बनानी है? नहीं ना, तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इन घोड़ों की वजह से आप इतनी अच्छी मूवी देख पा रहे हो। लिलन स्टैनफोर्ड, जिन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, एक बार इनकी और इनके दोस्त की बहस हो गई। स्टैनफोर्ड का मानना था कि जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके सारे पैर हवा में उठ जाते हैं, और वहीं इनके दोस्त कह रहे थे कि एक ना एक पैर तो जमीन पर रहता ही है। और बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सोचा कि एक कैमरामैन को बुलाया जाए जो फोटो खींचकर बता देगा। और क्या था, दोनों में शर्त लग गई और बात $1,000 और इज्जत की आ गई। पर दिक्कत ये थी, उस टाइम के कैमरा इतनी हिलने वाली चीजों की फोटो नहीं ले सकते थे। उस कैमरामैन ने घोड़े से भी तेज अपना दिमाग लगाया। उसने 12 कैमरे लाइन से थोड़े गैप में लगा दिए, घोड़ा जब वहाँ पहुँचे तो उसकी फोटो खींच जाए, और ये टेक्निक काम कर गई। फिर फोटो देखने में पता चला कि घोड़े के चारों पैर हवा में उठ जाते हैं, और स्टैनफोर्ड जीत चुके थे। लेकिन घोड़े की फिक्र किसे थी? फिक्र तो उस टेक्निक की थी जिसने चलते हुए घोड़े की फोटो खींच ली। थॉमस एडिसन और लुमिंग विदर्स ने इस टेक्निक को और एडवांस किया, चीजों के देखने का नजरिया ही बदल दिया, और फिर ऐसे मूवी इन्वेंशन हुई। तो गाइस, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी, हमें कॉमेंट में बताएं। और गाइस, ऐसी और रेयर और नॉलेज भरी वीडियो देखने के लिए माइंड बूस्टर फैक्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।